फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वेक टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि SBI में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, तो मैं आज आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाली हूँ। पूरी डिटेल दूंगी, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा क्योंकि इसमें वैकेंसीज हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, एज लिमिट क्या है, यह सभी चीज़ें आपको इसमें मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। फ्रेंड्स, जब आप लोग जो है सरकारी रिज़ल्ट पर जाएंगे वेबसाइट पर, तो आप लोगों को मिलेगा इसका SBI PO का ऑप्शन, ठीक है। खास बात यह है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की मांग कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए, सबसे पहले तो देखिए 5-10 लास्ट डेट अप्लाई करने की है, 25 अक्टूबर की लास्ट डेट है, यानी कि आप लोग जल्दी भर दीजिए, समय कम है थोड़ा। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, अब देखिए सबसे पहले जो फ़ीस का क्राइटेरिया क्या है कि जो जनरल वाले हैं, अनरिजर्व जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट्स के लिए 750 है फीस, ठीक। और अब बात करें SC और ST और PH यानी फिजिकली हैंडीकैप की, तो उसमें कोई भी फीस नहीं है, नो फीस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई फीस नहीं है, मत पे करिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है कि डेट क्या होगी। वैसे मैं आपको बता दूँ, इसमें 3 स्टेप होने हैं, वो स्टेप भी मैं आप लोगों को आगे क्लियर करूँगी। इसके जो प्रीलिम होने हैं वो नवंबर में होने हैं और मेंस जो होंगे वो दिसंबर में होंगे, ठीक है। अब इसका एज क्राइटेरिया देखिए, अगर जिनकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। और जो आप लोगों को एक एज रिलैक्सेशन मिलेगा एक्स्ट्रा, वो SBI के PO ऑफिसर्स के ऊपर, मतलब एज पर उसके अकॉर्डिंग होगा। अब आप लोगों को मैं डिटेल्स बता दूं। सो फ्रेंड्स, देखिए इसमें कितनी वैकेंसीज निकली है। एक है रेगुलर टाइप में, एक है बैकलॉग में। वैकेंसी टाइप रेगुलर में जनरल वालों के लिए 810 निकली हैं, OBC की 540 और EWS की 200, SC की 300, ST की 150, यानी कि टोटल 2000 वैकेंसीज निकली हैं। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, इन्होंने सिर्फ जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो और इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें कि कैसे अप्लाई करना है, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब आप लोग वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस शो होंगे कि कैंडिडेट जो है 5 से 25 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, यानी हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट के, ग्रेजुएशन के नंबर होने चाहिए, ठीक है, और फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन होनी चाहिए, ठीक। अब अगर हम बात करें कि हमें अप्लाई कैसे करना है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। आप लोगों को जिनको ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो डालेंगे, जिनका रजिस्टर नहीं है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर हमें क्या करना है, क्लिक कर देंगे हम। अब मैंने क्लिक करा तो आप लोग देखिए कि इसमें क्या मांग रहा है, नाम मांग रहा है। अगर आप लोग जैसे कि मेरा नाम ट्विंकल है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट नेम अपना ट्विंकल डालूँगी, मेरा मिडिल नेम कोई नहीं है तो मैं अपना सीधा सरनेम डालूँगी जो आएगा हमारा लास्ट नेम में, ठीक है। सरनेम मिडिल नेम का मतलब है कि जैसे बहुत किसी का नाम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ले लिया जाए,
जैसे किसी का नाम है डीपी, ठीक है, तो डीपी फॉर एग्जांपल द्वारिका प्रसाद नाम है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट नेम में द्वारिका डालेंगे, सेकंड मिडिल नेम जो होगा वो प्रसाद होगा, और जो थर्ड होगा वो हमारा सरनेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम को कंफर्म करना है, फिर इसमें आप लोगों का फुल नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में यानी कि जो आप लोगों की मार्कशीट्स में नेम लिखे हों वही सब डिटेल्स फिल करिएगा। इसके बाद इसमें मोबाइल नंबर मांगा है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगा है, ईमेल आईडी मांगी है, कंफर्म करिएगा। डोमेन नेम में कंफ्यूज मत होइएगा, डोमेन नेम होता है बेसिकली आप लोगों की ईमेल आईडी का जो भी है, जैसे कि किसी के जीमेल पे होती है, किसी की याहू की पे होती है ना, तो इस तरह की जो होती हैं इस वजह से डोमेन नेम उसमें कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ये सिक्योरिटी कोड डालना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप लोगों को सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये जो है ये देख रहे हैं आप, ये फिर इसको क्लिक कर देना है। इसी तरह से आप लोगों का फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।